नमस्कार, मैं प्रियंका कोहाड़ और इस समय हम मौजूद हैं महावीरा क्वालिटी स्कूल में, जहां पर मेहंदी प्रतियोगिता रखी गई है। यहां पर आप देख रहे हैं 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक बच्चे हैं जो मेहंदी लगाने में लगी हुई है, जो लड़कियां हैं, और इनको ना पहले कभी मेहंदी सिखाई गई है। ये इनकी कला है कि ये अच्छी अच्छी इस तरह की मेहंदियाँ लगा रही है। और जो भी लड़की, मतलब हाउस है यहाँ पर, 4 हाउस है, तो चारों हाउसों में से जो भी अच्छी मेहंदी लगाएगी उनको प्राइज़ भी दिया जाएगा, सम्मानित भी किया जाएगा। और अभी आपको दिखाएंगे कि कितनी अच्छी अच्छी मेहंदी इन लड़कियों ने लगाई है। एक बार एक आधी से नाम भी पूछ लेते हैं। हेलो गुड़िया। हेलो, क्या नाम है? माय नेम इज शिवानी। शिवानी, तो शिवानी इतनी अच्छी मेहंदी लगानी कहाँ से सीखी है? बस ऐसे ही। ऐसे ही? या घर वालों ने सिखाई है? नहीं, ऐसे ही। स्कूल में सिखाते हैं? कभी कभी सिखाते हैं। मतलब ऐसे ही। किस उस पे है जो प्रतियोगिता रखी गई है, तो किस इवेंट पे रखी गई है? करवा चौथ पर। करवा चौथ पे, तो यहाँ पर जो मैडम है वो भी लगवाती है? हाँ। जब यहाँ पर आपकी प्रतियोगिता में से जो बच्चे चुने जाते हैं, जिसने अच्छी मेहंदी लगाई, तो उनको सम्मानित किया जाता है? हाँ। तो क्या प्राइज दिया जाता है? वो सर देखते हैं क्या प्राइस देते हैं। तो फर्स्ट सेकंड के हिसाब से मेडल पहनाए जाते होंगे। हाँ। तो ये देखिए, मतलब एक से एक अच्छी मेहंदी यहाँ पर लड़कियों के द्वारा, और भी आपको दिखाएंगे। उधर भी छोटी छोटी लड़कियाँ हैं, जो कोई अपने हाथों पे लगा रही है, कोई दूसरे के हाथों पे लगी पड़ी है, तो मतलब लगा रही है। हेलो हेलो, नाम क्या है? तनीसा। थोड़ा जोर से बोल, घर वाले खाना नहीं खिलाते क्या? माय नेम इज तनीसा। हाँ, जोर से बोल, हरियाणा की छोरी है। हेलो गुड़िया। हेलो मैम। नाम क्या है? मैम सोनाक्षी। कौन सी क्लास से हो? मैम 6th क्लास। सिक्स से। तो आप मेहंदी लगवा रहे हो, लगा भी रहे हो? मैम लगवा रही हूँ। लगवा रही हो? अच्छा, पसंद आपको मेहंदी लगाना? यस मैम। अच्छा, कौन से गांव से हो? मैम अलेवा। अलेवा से। अच्छा, तो देखिए लगवान लग रही है, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, मतलब सबको मेहंदी लगाने का बड़ा शौक है, करवा चौथ आ रहा है। तो और यहाँ पर देखिए साथ में जो यहाँ पर मैडम है, मैडम भी लगी हुई है। हेलो मैम। गुड मॉर्निंग। क्या नाम मैम? मुकेश मैम। मुकेश, तो क्या पढ़ाते हो बच्चों को? हिंदी। हिंदी पढ़ाते हो। तो मैम करवा चौथ की मेहंदी का काम चल जाएगा यहीं से? जी मैम। पार्लर के नहीं जाना पड़ेगा? नहीं, इसे बच्चों का टैलेंट का भी पता लग जाएगा। बच्चों के टैलेंट का पता चल जाएगा और पार्लर को नहीं जाना पड़ेगा? जी मैम। तो देखिए डबल फायदे यहाँ पर हो रहे हैं। एक तो बच्चों के टैलेंट बाहर निकल के आ रहे हैं, और दूसरा यहाँ पर मतलब जो बच्चे, मतलब जो मैडम है, जब करवा चौथ पे पार्लर जाती है मेहंदी लगवाने के लिए, काफ़ी बड़े बड़े नोट भी लेती हैं पार्लर वाली, तो वो भी बचत यहाँ पर हो रही है। तो डबल फायदा, बच्चों का टैलेंट बाहर निकल के आ रहा है। वहाँ भी दिखाते हैं मैम, दोनों हाथ ऐसे करे हुए लगवा रही है मेहंदी। अभी स्टार्ट की है? हाँ जी। नाम क्या मैम? अनु सर। अनु, तो मैम आज है छुट्टी आपकी, अब तो दोनों हाथों पर मेहंदी लग जाएगी। नई क्लास ले लीजिए। अच्छा, क्लास पहले ले चुके हो? हाँ जी। अच्छा, तो मतलब मेहंदी लगवाना पसंद है आपको? यस मैम। वैसे हो कहाँ से मैम आप? नगोरा से जी। नगोरा से हो? अच्छा, तो आज तो मतलब गरबा लगवा के जाओगे, जाते ही दिखा दोगे मैं मेहंदी लगवा के आई हूँ। जी मैम। तो कल, मतलब कल है करवा चौथ, तो पूरी तैयारी है करवा चौथ? हाँ जी। तो ये देखिए कल, मतलब जी मैम आज मेहंदी लगवा रही है, कल पूरी सजेगी सवरेगी, करवा चौथ है। तो यहाँ पर आपको बच्चों का टैलेंट हमें दिखाया गया है। हमारे साथ है प्रिंसिपल सर, तो उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। तो सर, जो प्रतियोगिता रखी गई है आज, किस इवेंट पे रखी गई है? ये करवा चौथ के ऊपर रखी गई है मैम। कल करवा चौथ है। हाँ। तो आज मेहंदी प्रतियोगिता रखवाई गई है, क्योंकि इसमें लगभग सभी अध्यापिकाएँ और बच्चे सभी मेहंदी लगाते हैं, तो आज उनके लिए मेहंदी प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें हमारे स्कूल में 4 हाउस है, सभी हाउस से एक एक फर्स्ट पोजीशन निकाली जाएगी, और जो बच्चे विनर होंगे उनको प्राइज़ दिया जाएगा। सर, क्या प्राइज़ दिया जाता है बच्चों को? इसमें सर्टिफिकेट प्लस मेडल। जी। वैसे सर, समय समय पर ऐसी प्रतियोगिता करवाते रहते हैं स्कूल में? जी मैम, हर इवेंट पे हम, हर मतलब जो भी हमारे त्यौहार आते हैं, तीज त्यौहार आते हैं, सब पे एक, उससे एक दिन पहले हम ये सब प्रतियोगिता करवाते हैं। तो सर, बच्चों का टैलेंट निकल के बाहर आता है? बिल्कुल मैम, स्कूल एक ऐसी सीढ़ी है जहाँ से बच्चों को कुछ सीखने का मौका मिलता है, उनके जो टैलेंट छिपा हुआ है वो सब बाहर निकल जाता है। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत अच्छा बताया। तो सर, समय समय पर प्रतियोगिता होती रहती है स्कूल में, तो सर बच्चों को क्या कहना चाहोगे? बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि हर प्रतियोगिता में उनको भाग लेना चाहिए, उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतियोगिता है, वो सब प्रतिभा है, वो सब बाहर निकल आएगी। तो इसी से ही हमें पता रहता है कौन बच्चा किस एरिया में ज़्यादा अच्छा है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर बच्चा डॉक्टर बने, हर बच्चा इंजीनियर बने, कई बार बच्चे फैशन में, डिजाइन में या पेंटिंग में भी अच्छे होते हैं। तो हर बच्चे को हर एक इवेंट में भाग लेना चाहिए। थैंक यू सर।
तो ये देखिए यहाँ पर मेहंदी प्रतियोगिता चल रही है और ये बात बिल्कुल सर ने ठीक बताया कि हर बच्चा ना डॉक्टर बन सकता है ना इंजीनियर बन सकता है, क्योंकि हर बच्चा पढ़ाई में अव्वल नहीं हो सकता, तो किसी का टैलेंट कुछ होता है। जब ये छोटी छोटी प्रतियोगिता स्कूलों में होती है उसी से पता चलता है कि बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, तो इनसे इनकी प्रतिभाएं बाहर निकल के आती है। और लड़कियों की मेहंदी कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। फिर मिलेंगे, जय हिंद।